हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 8 एंड टॉपिक 8, क्लोज पैकिंग. व्हाट इज क्लोज पैकिंग? व्हेन एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म मेनली थ्री टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग. वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग एंड थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोज पैकिंग. तो लेट्स सी व्हाट इज क्लोज पैकिंग. डियर स्टूडेंट, जैसे हमने ये एक एटम है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So when we put the atoms to close to each other, that is called close packing. मतलब कि एटम के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. एटम को बिल्कुल आपस में क्लोज करके रखना है. तो एटम को क्लोज करके पैक्ड करना, when atom are close to each other, in a one dimension and a two dimension and a three dimension, they are formed different types of unit cell. So let's see ki how many types of unit cell will be formed during the close packing of atoms. So sabse pehle hum dekhte hain ki how many close packing will be possible. So main aapko batana chahta hu ki jab hum atom ko तीन तरह से क्लोज पैकिंग कर सकते हैं, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग एंड थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग. तो क्लोज पैकिंग आर मेनली थ्री टाइप्स. क्लोज पैकिंग तीन टाइप का होता है. वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड वन इज टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग. एंड द थर्ड वन इज थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग. सबसे पहले लेते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग. वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि व्हाट इज वन डायमेंशन. वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि इफ एटम्स आर पुट इन अ वन डायमेंशन, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड वन डायमेंशन. तो वन डायमेंशन के लिए सबसे पहले मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की. फॉर वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग एटम को जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है. तो अगर मैं एटम को एक लाइन में अरेंज करूं, इफ यू अरेंज द एटम इन वन डायमेंशन, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये मैंने एक एटम रखा, ये दूसरा एटम क्लोज करके रखना है, ये थर्ड एटम 4, 5, 6, 7 इस तरह से एंड सो ऑन, क्या ये वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग है? तो डियर स्टूडेंट आंसर है नहीं, क्योंकि ये वन डायमेंशन में प्लेस नहीं हो रहा है. क्योंकि आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस एटम का कुछ पोर्शन वाई एक्सिस में भी चला जा रहा है, तो ये वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग नहीं. वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के लिए हमें एटम को पॉइंट मास मानना होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स ये कि इस एटम को जो यहाँ पे हमने एटम को स्फेरिकल या सर्कल ले लिया था, इसको वन डायमेंशन में पुट करने के लिए हमें एटम को पॉइंट मास मानना पड़ेगा. तो इस एटम को जब पॉइंट लिया, तो ये एटम पॉइंट के फॉर्म में इस लाइन पे यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया. ये वाला एटम पॉइंट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया पॉइंट के फॉर्म में. ये मतलब कि ये एटम वन डायमेंशन में तभी आएंगे, दीज एटम ये तभी आएंगे जब हम इन एटम को पॉइंट मास मानेंगे. तो पॉइंट मास मानने में ये इमेजिनरी लाइन यानी कि एक्स एक्सिस में एडजस्ट तो हो गए, बट इट इज नॉट ए क्लोज पैकिंग. क्यों? क्योंकि अभी एटम के बीच में क्लोजनेस नहीं है, ये एटम दूर दूर हैं. तो इसको हम यानी कि इस पॉइंट को अब इस पॉइंट मास को इसके क्लोज ले जाइए, इसको भी इसके क्लोज ले जाइए, इस तरह से इफ एटम्स आर प्लेस्ड इन ओनली ओनली ऑन द इमेजरी लाइंस, है ना,
मतलब ये सारे एटम जो दूर थे पॉइंट मास के फॉर्म में, इसको हमने क्लोज कर करके और लाइन बना दी। तो ये जो अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट के फॉर्म में ये जो अरेंजमेंट है जो आपको वहां से नहीं दिख रहा होगा, ये पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में, ये हमारा कहलाता है वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। एंड फॉर वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग देयर आर नो यूनिट सेल विल बी फॉर्म्ड। मतलब कि वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग से किसी भी टाइप का यूनिट सेल नहीं बनेगा, क्योंकि यू नो डैट कि यूनिट सेल इज अ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। यूनिट जो हमारा यूनिट सेल, चाहे कोई सा भी यूनिट सेल हो, चाहे वो क्यूबिकल हो, टेट्रागोनल हो, हेक्सागोनल हो, किसी भी टाइप का जो यूनिट सेल होगा वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, और ये वन डायमेंशन अरेंजमेंट है, यानी कि वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग से किसी भी टाइप का यूनिट सेल नहीं बनेगा। अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग की। तो टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में मतलब एटम हमारा टू डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकता है। टू डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकता है मीन्स कि वो एक्स और वाई एक्सिस में भी एडजस्ट कर सकता है। तो अगर देखें यहाँ ध्यान से, तो एटम को मैं यहाँ पर टू डायमेंशन अरेंजमेंट के लिए एटम को हम एक सर्कल सर्कल की तरह एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल हमारा टू डायमेंशन अरेंजमेंट होता है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे। तो टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग ओनली पॉसिबल वी एज्यूम एटम एज ए सर्कल। ये हमने एटम को सर्कल की तरह एज्यूम किया और क्लोज क्लोज रख दिया, क्लोज क्लोज रख दिया, तो ये हमारा टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग है। और टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग से भी हम आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में एटम को हम सर्कल एज्यूम कर रहे हैं, और सर्कल भी हमारा केवल टू डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग से भी किसी भी टाइप का यूनिट सेल नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज सीखने लायक है कि टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग की क्या हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मीन्स ये कि इस टू डायमेंशन में से मैं अगर इस एटम के इस एटम के इस एटम से इस एटम के सेंटर को ज्वाइन कर दूं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये एक स्क्वायर बन रहा है। मीन्स इसको मैं अलग से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जैसे वन टू थ्री फोर, यानी कि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अगर मैं इन एटम के सेंटर को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो बना ये हमारा एक स्क्वायर बना, स्क्वायर ये डार्क लाइन, ये स्क्वायर बना। तो क्या इस स्क्वायर की हम पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं टू डायमेंशन में? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एटम है, इस एटम का 1/4 पार्ट इस स्क्वायर के बनने में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी 1/4 जा रहा है, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। अगर इस एटम की रेडियाई स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, तो यहाँ पर ये एज लेंथ साइड इसकी ए कहलाएगी। तो अगर हम कहें कि ये स्क्वायर ए बी सी डी, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हम कह सकते हैं कि ये इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो इस स्क्वायर ए बी सी डी की क्लोज इस स्क्वायर ए बी सी डी की अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, तो हम मैंने आपसे कहा था पहले भी पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना बता रखा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू, याद कीजिए वहां पे जो फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो वहां पे वॉल्यूम आया था क्योंकि वहां पे हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट की निकाली थी, जो हमारे क्यूबिक बीसीसी एससीसी और एफसीसी जो थे वो थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल थे, इसलिए हमने वहां वॉल्यूम की बात की थी। क्या ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है? ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा। लेकिन टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में हमारा एरिया तो आएगा, तो फॉर्मूला हमारा उसी तरह चेंज आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ना आगे हम एरिया की बात करेंगे, मीन्स की एरिया ऑक्यूपाई बाय द सर्कुलर एटम, मतलब ये हमारा सर्कुलर एटम है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कुलर एटम अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो अगर आप ध्यान से देखें, एरिया ऑक्यूपाई बाय द सर्कुलर एटम, यानी कि इस सर्कुलर एटम का 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि 4 times 1/4, इट मींस 1 सर्किल के बराबर एरिया इसमें ऑक्यूपाई हो रहा है, यानी कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ सर्कल अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इसकी है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बात करें कि एक सर्कल का एरिया कितना होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन, और ए की जगह यहाँ पर ए कॉस टू कितना आएगा, 2r आएगा, क्योंकि दोनों एटम की रेडियस आपस में टच कर रही है, तो यहाँ ए कॉस टू 2r आएगा, तो यहाँ ए की जगह 2r रख देंगे, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, और डियर स्टूडेंट r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 4। ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आप देख रहे हैं कि 2 dimension क्लोज पैकिंग से भी किसी भी टाइप का यूनिट सेल नहीं बनेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इन अवर क्लास 12th बोर्ड सिलेबस 3 dimension क्लोज पैकिंग। हमारी बुक में एनसीईआरटी में डियर स्टूडेंट मेनली जो बात की गई है ना, मेनली जो हम जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो 3 dimension क्लोज पैकिंग से आते हैं। तो 3 dimension क्लोज पैकिंग की बात करें तो 3 dimension क्लोज पैकिंग डियर स्टूडेंट वो भी 2 type का होता है, तो इसको हम दोबारा से क्लासिफाइड कर ले रहे हैं 3 dimension क्लोज पैकिंग को, 3 dimension क्लोज पैकिंग। 3 dimension क्लोज पैकिंग हमारा मेनली 2 type का होता है, एक को हम कहते हैं थोड़ा इसको और ऊपर लिख देते हैं थोड़ा जगह मिल जाए, डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 3 dimension क्लोज पैकिंग डियर स्टूडेंट हमारे इसमें 2 type से है, एक है जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम HCP, और एक होता है हमारा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जिसे हम कहते हैं CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, कैसे बनता है। तो मैं डियर स्टूडेंट बताना चाह रहा हूँ कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एटम का अरेंजमेंट का टाइप होता है वो ABAB टाइप होता है। अब ये थोड़ा हम समझेंगे ये ABAB टाइप क्या है, ये AA टाइप क्या है, और ये ABC टाइप क्या है। मीन्स ये कि अगर मैं एक एटम की लेयर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इसे बॉल की तरह एज्यूम कीजिए, यहां पर 3 dimension क्लोज पैकिंग में एटम शुड बी एज्यूम एज ए स्फेरिकल बॉल लाइक। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि क्रिकेट की बॉल को लेकर समझ लेते हैं या स्फेरिकल बॉल, या तो आप एज्यूम कीजिए कि एक फर्श में पूरी एक लेयर में एक एटम का क्लोज पैकिंग है, और जो सेकंड लेयर है मतलब ये हमारी ए लेयर है, और जस्ट
ए लेयर में जिस तरह एटम का अरेंजमेंट है, अगर दूसरी लेयर भी ठीक एग्जैक्ट उसी तरह से हो जाए, मतलब कि जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारा लेयर ए का एटम है, तो लेयर बी का एटम एग्जैक्ट इसी के ऊपर आ जाए, फिर लेयर थर्ड बिल्कुल इसी तरह ही आ जाए, तो ए जैसी जैसा अरेंजमेंट ए लेयर का था वैसी अरेंजमेंट बी लेयर का है, वैसे अरेंजमेंट सी, मतलब ए जिस तरह का अरेंजमेंट ए लेयर का एग्जैक्ट वैसा ही अरेंजमेंट अगर दूसरी लेयर का भी हो और वैसा ही अरेंजमेंट तीसरी लेयर का भी हो, तो यानी कि हमारी लेयर का सारी लेयर का अरेंजमेंट एक जैसा है, तो ऐसे इस टाइप के अरेंजमेंट को ए ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कहेंगे, ए डैश ए डैश ए डॉट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि ए ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट किसमें होता है, तो याद कीजिए क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में सॉरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एसईसी में अगर आप ध्यान देखें तो हमारी फर्स्ट लेयर 1 2 3 4 यानी कि फर्स्ट लेयर जिस तरह से है वैसा ही हमारा सेकंड लेयर भी है एग्जैक्ट उसी के ऊपर है, यानी कि इसको हम अगर लेयर ए कह रहे हैं तो इसको भी लेयर ए ही कहना पड़ेगा, इसके ऊपर भी ए ही। तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है कि जैसी हमारी फर्स्ट लेयर है एग्जैक्ट वैसी ही सेकंड लेयर है, वैसी थर्ड लेयर है, वैसी फोर्थ लेयर है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम ए ए ए डॉट ए डॉट ए डॉट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है। और ए ए टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट से हमारा क्या बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरह से बात करें अगर सपोज मान लीजिए कि जैसे हमारा ये 1 2 3 4 ये फोर लेयर नहीं है स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए कि मैंने ऐसे हाथ लगाया और ऐसे करके रख लिया, यानी कि एक लेयर है, ओनली वन लेयर है, इसको मैं ए कह रहा हूं। और अभी मैंने पहले समझाया कि अगर सेकंड लेयर का एटम भी इसी के ऊपर आ जाए, ये इन्हीं के ऊपर सेकंड लेयर के भी एटम आ जाए तो उसका अरेंजमेंट भी ए कहलाएगा, तो ए टाइप होगा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इस बार हम ये हमारी फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर के एटम को हम यहां ना रख के हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, मतलब उस लेयर से हमने थोड़ा डिफरेंट कर दिया। ये थोड़ा सा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, ये ज्यादा बेहतर होगा।
इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी हमारा लेयर यही कहलाएगा ए, मतलब ये कि ये हमारा बोर्ड टू डायमेंशन है, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करूं तो आपको ये एक ही लेयर दिखाई देगी, ये हमारा ए लेयर है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक दूसरा लेयर, जैसे इस वाले 1 2 3 इन तीन एटम के सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक एटम, डियर स्टूडेंट, मैंने यहां रख दिया ऐसी 1 2 3, इस एटम को, इन तीन एटम के सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक एटम मैंने यहां रख दिया, और ऐसे ही 1 2 3 इन तीन एटम के सेंटर को ज्वाइन करते हुए। तो डियर स्टूडेंट ये देखिएगा, ये थोड़ा डार्क लाइन से जो मैं एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारे सेकेंड लेयर का एटम है, जबकि इसके पीछे वाले वो हमारा लेयर ए था, और इसको हमने लेयर बी कह दिया, मतलब दो लेयर हो गई, मतलब सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट ए लेयर जैसा नहीं है। और फिर जैसे अब थर्ड लेयर की बात करें, तो अगर थर्ड लेयर एग्जैक्ट फर्स्ट लेयर जैसा है, मतलब पहले ए है, फिर बी है, फिर ए है, मतलब थर्ड लेयर में फिर से रिपीट हो गया, मतलब थर्ड लेयर का अरेंजमेंट मतलब एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट है। तो यानी कि अब ये अरेंजमेंट का टाइप क्या कहलाएगा, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ए बी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो बनता है वो ए बी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट का रिजल्ट होता है। इसको अभी फिर से हम समझ लेते हैं। आज भी मेरे पास टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, उससे भी मैं समझाऊंगा आपको। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एटम्स के टाइप का अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम वो होगा हमारा ए बी डॉट डैश 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 टाइप, मतलब अरेंजमेंट का टाइप ये होगा। जबकि अगर हमारे फर्स्ट लेयर का एटम ए है, सेकेंड लेयर का एटम का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर जैसा नहीं है तो वो बी हो गया, फिर थर्ड लेयर का अरेंजमेंट ना तो ए से मैच करता है ना बी से करता है तो वो सी हो गया, फिर जो फोर्थ लेयर है अगर वो फर्स्ट लेयर से मैच कर रही है तो वो हमारा फिर से ए आ गया। यानी कि रिपीटेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, फोर्थ लेयर पे, यानी कि ए बी सी फिर ए बी सी, तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ए बी सी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो होता है स्टूडेंट, ए बी सी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट का रिजल्ट होता है, जिसको हम अभी दोबारा हम जो ये गैजेट्स हैं, मैथमेटिकल गैजेट्स हैं, उससे आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको बात करूं कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट क्या होता है, तो वो होता है हमारा ए बी सी डॉट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ये मेनली डिफरेंस हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC में एटम का अरेंजमेंट क्या था स्टूडेंट, A डॉट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। जैसा आपको पता है कि जैसा हमारा A लेयर है वैसी हमारी सेकेंड लेयर है, ऐसी हमारी थर्ड लेयर होगी, तो सारी लेयर सेम है तो A टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। अगर B सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर से डिफरेंट है तो वो AB टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। अगर फर्स्ट लेयर का सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर से डिफरेंट है, और थर्ड लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेयर से डिफरेंट है, और फिर फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर से मैच कर रहा है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम ABC टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। तो अब हेक्सागोनल ABC टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट से हेक्सागोनल कैसे बनेगा, तो थोड़ा समझिएगा कि अगर मैं फर्स्ट लेयर, अभी जो मैंने बहुत सारे एटम को रेंडमली ऐसा हमने ले लिया था 1 2 ये किसी फर्स्ट लेयर के एटम है, अगर इस फर्स्ट लेयर के एटम के स्टूडेंट को अगर आप ध्यान से यहां देखें कि इस एटम को सराउंडेड करते हुए 1 2 3 4 5 6 एटम है, तो अगर इनके सेंटर को मैं ज्वाइंट कर दूं, तो डियर स्टूडेंट ये एक आपको हेक्सागोनल दिख रहा है,
लेकिन ये हेक्सागोनल जो पैकिंग है ये टू डायमेंशन में हो रही है, लेकिन हमें यही चीज थ्री डायमेंशन में करनी है। तो हम केवल, आपने क्या देखा कि 1 2 3 4 5, मतलब कि फर्स्ट लेयर में से अगर एक हेक्सागोनल बनाना है, एक हेक्सागोनल की एक लेयर बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 एटम एक लेयर के लेने पड़ रहे हैं। तो हम ऐसा ही कुछ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेयर ये हमारा लेयर ए है। ए लेयर में से हमने 1 1 2 3 4 5 6 7 और इसी के बी लेयर में, मींस की 1 2, ये फर्स्ट लेयर हो गई। सेकंड लेयर में हम 1 सेकेंड लेयर में हम 3 एटम को इसके ऊपर रख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3, ऐसी 1 2 3 और 1 2 3, ये हमारा ये ए लेयर था और ये हमारे बी लेयर, यानी कि बी लेयर में 3 एटम है केवल, 3 एटम। और फिर जो हमारा थर्ड लेयर होगा वो बिल्कुल ए लेयर जैसा होगा, मतलब ये ए हो गया और ये हमारे सेकंड लेयर 3 एटम हो गए, लेकिन जो 3 एटम्स है ये पूरा क्यूब के हेक्सागोनल के अंदर आ जाएंगे। और इसी तरह से फिर से 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए आ गया, यानी कि ए बी ए बी, इस टाइप का अगर एटम का अरेंजमेंट होगा तो ये ए बी ए बी अरेंजमेंट कहलाएगा, और ए बी ए बी अरेंजमेंट से हेक्सागोनल बनेगा। ए बी ए बी अरेंजमेंट है मतलब ए बी के बाद फिर ए आ जा रहा है, लेकिन ए बी ए बी अरेंजमेंट से अगर आपको कोई थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल बनाना है स्टूडेंट, तो उसके अरेंजमेंट के टाइप से एक लेयर ज्यादा लेनी पड़ेगी, मतलब ए बी, केवल ए और बी से यूनिट सेल नहीं बनेगा, यानी कि ए बी और ए, यानी कि एक एक्स्ट्रा लेयर। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी क्रिस्टल का एटम का अरेंजमेंट ए बी सी है तो ये 3 लेयर से यूनिट सेल नहीं बनेगा, एक एक्स्ट्रा लेयर यानी कि ए बी सी और ए, यानी कि 4 लेयर लेनी पड़ेगी तो उसका यूनिट सेल दिखेगा। जैसे यहाँ पर ए बी ए बी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है तो यहाँ पर 3 लेयर लेनी पड़ेगी, ए बी और फिर से ए, और ऐसे यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ ए बी सी और ए, मतलब एक लेयर का रिपीटेशन होगा। तो अगर मैं इसको, अगर आपको इससे दिखाऊं कि इस वाले एटम का अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये हमारा एक एटम है और इसके सराउंडिंग में 6 एटम्स हैं, है ना, और इसके अगर सेंटर को ज्वाइंट किया जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके सेंटर को अगर ज्वाइंट किया जाए तो ये हेक्सागोनल बनेगा। और इसके ऊपर हमने जो ये सेकेंड लेयर के जो 3 एटम हैं इस तरह से, वो इसके ऊपर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, और फिर हमारा वापस, यानी कि ये ए और ये बी, और फिर से हमारा ये आ गया ए। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसके अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको ये हेक्सागोनल नजर आएगा, ये एक फेस होगा हेक्सागोनल के सामने वाला, ये ऐसे करके, ठीक है, और ये 3 एटम पूरी तरह हेक्सागोनल के अंदर ऑक्यूपाइड कर जाएंगे, मतलब जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 3 एटम तो पूरी पूरी तरह हेक्सागोनल में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि ये जो कॉर्नर वाले हैं, है ना, इसका फ्रैक्शन कितना होगा वो बात कर लेंगे। तो इसी तरह से ये मैंने आपको बताया कि ए बी ए, फिर
ये ए बी ए, फिर ये ए बी इस तरह से होगा, लेकिन हमें हेक्सागोनल बनाने के लिए उसके अरेंजमेंट के टाइप से एक लेयर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से अगर बात करें तो इसका मैं अरेंजमेंट आपको बस दिखा दूं कि इस तरह से नजर आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये 6 एटम 1 2 3 4 5 6, और एक इसके सेंटर पे है, ये आपस में सब टच कर रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको सेकंड लेयर का दिखाया, सेकंड लेयर के 3 एटम 1 2 और 3, यानी कि ये हमारा ए लेयर हो गया, ये हमारा बी लेयर हो गया, और फिर से इसको अगर इसे ज्वाइंट कर दें तो इस तरह से एबी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट से, इस तरह से एबी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट से हमारा क्या बनेगा, एससीबी बनेगा, हेक्सागोनल क्यूब। एबी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट से हेक्सागोनल यूनिट सेल बनेगा। अब बात करें कि इसमें एटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपने जैसा देखा कि ये हमारा ए है, ए बी ए और ऐसे ए बी ए, यानी कि ये जो एटम है जो हेक्सागोनल के फेस पर है, ये फेस पर है ना, तो इसके बाद एक और ऊपर इसके हेक्सागोनल बनेगा, मतलब इसके ऊपर भी एक हेक्सागोनल बनेगा, तो ये वाला हाफ तो इसमें आएगा, हाफ उसमें जाएगा। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इस यूनिट सेल में 1/2 पार्टिसिपेट करेगा, और जो यहां पर है कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले को ध्यान से देखें, तो ये कॉर्नर वाला एक हेक्सागोनल यहां से जाएगा, एक हेक्सागोनल यहां से आएगा, यानी कि तीन तो इसी प्लेन में होंगे और तीन इसके ऊपर होंगे, यानी कि हेक्सागोनल के कॉर्नर पे जो एटम पार्टिसिपेट करेगा ये एक नहीं बल्कि 6 हेक्सागोनल में, जैसे ये हमारे पास हेक्सागोनल है, तो ये हेक्सागोनल में ये जो एटम है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो है इसके बगल से एक और हेक्सागोनल जाएगा ऐसे करके, और एक हेक्सागोनल, यानी कि ये एटम कॉर्नर वाला ये तीन तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये इसका 1/6 ले कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉर्नर का एटम है ये 6 हेक्सागोनल से सराउंडेड होगा, तीन तो इसी प्लेन में होंगे और तीन इसके ऊपर होंगे, यानी कि एक यूनिट सेल में कितना गया, क्योंकि ये 6 हेक्सागोनल से सराउंडेड हो रहा है तो एक में जाने वाला कितना हो गया, 1/6 हो गया, यानी कि 1/6 हो गया, तो ये हमारा 1/6 हो गया। और ये जो मैंने आपको बताया जो सेकंड लेयर में आ रहे थे, ये तो पूरी की पूरी तरह हेक्सागोनल में ही है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो पूरा चला जाएगा। और तो अगर बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एटम क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हाफ होगा, हाफ प्लस 1 2 3 4 5 6 इंटू 1/6, क्योंकि ये 1/6 पार्टिसिपेट कर रहा है एक यूनिट सेल में, प्लस ये तीन एटम पूरे पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सेम ऐसी थर्ड लेयर का वैसा ही होगा, यानी कि हाफ ये प्लस 6 इंटू 1/6। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखें तो हाफ एंड हाफ 1.5 3 और 3 6, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एटम का मैग्नीट्यूड आता है वो 6 आता है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का मैग्नीट्यूड कितना आया था, याद कीजिए, 1 आया था। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आया था, 2 आया था।
एफसीसी में कितना आया था? 4 आया था। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना है? 6 आया। सिमिलरली अगर बात करें क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की, तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट ऑफ एटम की बात करें तो यहां पर समझिएगा, यहां पे फर्स्ट लेयर में हमारा एक एटम होगा। देखिए क्यूबिकल क्लोज पैकिंग यानी कि क्लियर हो रहा है कि क्यूब बनने वाला है, तो मैं डिफरेंट लेयर यानी कि यहां पर अरेंजमेंट का टाइप कितना है, ए बी सी, जबकि मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल तभी फॉर्म होगी जब हम उसके अरेंजमेंट के टाइप से एक एक्स्ट्रा लेयर लेंगे, यानी कि ए बी सी और फिर से ए, यानी कि एक लेयर का रिपीटेशन होगा। तो आपको ये जानना है कि हमें 4 लेयर लेनी है। अब मैं 4 लेयर वही लेने जा रहा हूं जिससे हमारा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बन जाए। तो सबसे पहली लेयर जो हमारा ए है, ए लेयर के एटम में फर्स्ट लेयर से हमने केवल एक एटम लिया है ए। ऐसी सेकेंड लेयर से, अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर से हम ये हमारा बी हो गया। यहां से देखिए ये हमारा ए लेयर है फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर का है और इस लेयर का अरेंजमेंट इस लेयर से डिफरेंट है, इसीलिए इसको बी कह रखा है। इसमें समझा रहा हूं आपको कि ये तो आप समझ गए फर्स्ट लेयर में से एक एटम को लेना है और ये सेकेंड लेयर कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। मतलब कि हमारा फर्स्ट लेयर का एटम जो है यहां बनी है ना, 1 2 3 इसके ऊपर हम रख रहे हैं, है ना। अगर हमने इसके ऊपर रख दिया, एटम के ऊपर ही रख दिया, तो ये तो हमारा ए है, तो ये भी ए कहलाएगा ना। हमने इसको बी कह रखा है, इसका मतलब बी एटम का अरेंजमेंट ए एटम के अरेंजमेंट की तरह नहीं है, यानी कि ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो अब हमारा अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें केवल 3 एटम्स नजर आएंगे ना, ठीक है, ये बाकी के 3 पीछे नजर नहीं आएंगे, ये 3 नजर आना चाहिए, 3 नजर नहीं आएंगे। लेकिन हमारा वो 2 डायमेंशन है, हम 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये चैप्टर हमारा 3 डायमेंशनल है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 एटम इस तरह से, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, यानी कि ए बी। अब सी की बात करें तो सी एटम का अरेंजमेंट ये देखिए, ये हमारा सी हो गया, मतलब ए बी सी ये दिखने में आपको एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन है नहीं। देखिए आप बात समझिए, इन दोनों में डिफरेंस है ना, ये इस टाइप से है मतलब, और जो सी है, सी वाला हमारा ऐसे ऐसे, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है। यहाँ पे पहले 3 है, इसके पीछे 2 है, फिर 1 है, 3 2 1, जबकि इसमें आगे पहले 1 आ जा रहा है देखिए, और फिर उसके पास 2, यानी कि इस तरह से रखना है, यानी कि इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे, तो यानी कि एग्जैक्ट ए इस वाली लेयर के ऊपर इस लेयर के एटम नहीं आएंगे, ये अलग है अरेंजमेंट और ये अलग है ना, तो इसलिए इसको हमको सी कहना पड़ रहा है, सी, और फिर से हमारा वापस ए। अब देखते हैं कि ए बी सी और ए टाइप के अरेंजमेंट से आखिर बनता क्या है। अगर मैं आपको इसको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊं गैजेट से, तो आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट लेयर का एटम है जिसको मैंने कह रखा ए, और इसके ऊपर मैं इसको रख रहा है ना, सेकेंड लेयर 1 2 3, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1, 3 ठीक के पीछे 2, 2 के पीछे 1, और ये इस तरह से ऊपर रख दिया है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि हिले ना, ये हमारा ए हो गया और इसके ऊपर हमारा ये बी हो गया। अब बी के ऊपर हम सी, सी का अरेंजमेंट जो कि इसके अरेंजमेंट से अपोजिट है, ठीक है, ठीक है, ए बी। अब सी को हम ऐसे नहीं रखेंगे, अगर ऐसे रख दिया फिर तो ये हमारा ये बी है, तो ये भी बी कहलाएगा ना, हमें इसके अपोजिट रखना है इस तरह से। ये हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और सी के ऊपर फिर से हमारा ये आ गया ए।
यहाँ भी इसको मैं थोड़ा सा चिपका देते हैं जिससे कि समझाना आसान हो जाए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये फिर से ए हो गया। और इसको अगर ध्यान से देखिए आप तो ये क्या बन चुका है, इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दूँ, मतलब मैंने ऐसे करके जरूर आपको समझाया है, लेकिन ये हमारा अरेंजमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये फिर से ए है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ तो आपको कुछ याद आया, पुराना कुछ याद आया कि ये ध्यान से देखिए तो ये जितने हमारे ये जितने भी ये वाले एटम थे सी, इस वाले अरेंजमेंट में 1 2 3 और इस वाले अरेंजमेंट में 1 2 3, तो ये जो तीन है और ये तीन जो है ये ध्यान दीजिए ये FCC बन गया स्टूडेंट। FCC मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखिए ये क्यूब का कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये देखिए, और ये इसके फेस पे एटम हो गया। आप कहीं से भी देखिए ये FCC नजर आएगा आपको, कहीं से भी देखिए आप FCC नजर आएगा, है ना। यानी कि सबसे नीचे वाला ये कॉर्नर पे गया ये और ऊपर वाला कॉर्नर पे चले गए, यानी कि ब्लैक वाले सारे एटम कॉर्नर पे चले गए अगर आप, है ना। और जो हमारे ये कलर्ड थे ग्रीन वाले, तीन तीन एटम ग्रीन थे और तीन हमारे ऑरेंज थे, ये हमारे ये थे ये फेस वाले 1 2 3 और तीन इस वाले। यानी कि आप देख रहे हैं कि ए बी सी टाइप के अरेंजमेंट से क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बन गई है, मतलब क्यूब बन गया। और क्यूब भी कौन सा, ये क्यूब बन रहा है FCC वाला, क्योंकि इसमें 8 कॉर्नर के साथ साथ 6 फेसेस पे एटम हमारे आ जा रहे हैं। 1 2 3 4 एक फेस ये हो गया, 1 2 3 4 ये फेस हो गया, 1 2 3 4 ये फेस हो गया, इस तरह से 6 फेसेस हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द ABC अरेंजमेंट, है ना, क्योंकि क्यूब बन रहा है सो इट इज कॉल्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। लेकिन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग से क्या बन रहा है हमारा, FCC बन रहा है, यानी कि FCC। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि CCP अरेंजमेंट है तो इसका मतलब समझ जाइए कि FCC में है एटम, मतलब कि एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे और फेस पे है। तो आपको पता है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऑफ एटम इन CCP की बात करें तो CCP मतलब FCC, और FCC में एटम कहाँ पे आ रहे हैं, 8 एटम कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस पे आ रहे हैं, तो कितने हो गए हमारे बताइए, 4 हो गए। यानी कि CCP अरेंजमेंट जो हमारा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट है वो FCC का ही रिजल्ट है। इस तरह से बच्चों 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को मैंने आपको समझाया, SCP और CCP। इसके बारे में स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टाइप के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से या 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया, या जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, छूट नहीं गया, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में उसको लेंगे, जिसको हम कहते हैं वॉइड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे होम, खुश रहिए, थैंक यू।